चंद अशआर आपके दायरे मोहब्बत में हायल करना चाहता हूँ, मुलाहिजा कीजिए। उसके बाद बरादर अजीज जनाब कारी सोहेल आजमी साहब आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर होंगे। फर्श अज़ा के सिलसिले से अशआर है कि मुलाहिजा कीजिएगा कि मजलिसों में क्यों नहीं आए घर अपना छोड़कर, जो हजरात अभी तक अपने घरों पर बैठे हुए हैं और ये सोचते होंगे जब मौलाना मौसूफ़ मेंबर पर तशरीफ़ लाएँ तो फर्श अदा पर तशरीफ़ ले जाएंगे। ऐसी गलत फहमियाँ आप अपने जहनों से निकाल कर फर्श अदा पर तशरीफ़ लाएँ। शेर मुलाहिदा कीजिएगा कि मजलिसों में क्यों नहीं आए घर अपना छोड़ कर, मजलिसों में क्यों नहीं आए घर अपना छोड़ कर, फातिमा आई है जन्नत का इलाका छोड़ कर। बेदार हो जाइएगा कि मजलिसों में क्यों नहीं आए घर अपना छोड़ कर, फातिमा आई है जन्नत से इलाका छोड़ कर। तो ये इबादत की इबादत है मगर जुज़े नमाज, ये इबादत की इबादत है मगर जुज़े नमाज, ये इबादत की इबादत है मगर जुज़े नमाज। मातम शब्बीर क्यों करते हो सजदा छोड़कर, मातम शब्बीर क्यों करते हो सजदा छोड़कर, ये इबादत की इबादत है मगर जुज़े नमाज। मातम शब्बीर क्यों करते हो सजदा छोड़कर, तो बाप सीने से लगा कर रखता है जिस लाल को। मेरे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद इंशाअल्लाह इस्लाह करेंगे कि बाप सीने से लगा कर रखता है जिस लाल को, मातमी हलके में रखा हाथ उसका छोड़कर, मातमी हलके में रखा हाथ उसका छोड़कर। मैं सिर्फ आप हजरात को आमादा करना चाहता हूँ ताकि मजलिस का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से अंजाम दिया जा सके कि इबादत की इबादत है मगर जुज़े नमाज, ये इबादत की इबादत है मगर जुज़े नमाज। मातम शब्बीर क्यों करते हो सजदा छोड़कर, बाप सीने से लगा कर रखता है जिस लाल को, मातमी हलके में रखा हाथ उसका छोड़कर। तो उस जगह भी हाथ आई पशेमाने यजीद, उस जगह भी हाथ आई पशेमाने यजीद। कौन मस्जिद को चला आबिद का खुतबा छोड़कर, कौन मस्जिद को चला आबिद का खुतबा छोड़कर, कौन मस्जिद को चला आबिद का खुतबा छोड़कर। तो हजरत अब्बास की मक्तल में हैबत देखना, हजरत अब्बास की मक्तल में हैबत देखना, शाम वालों का बदन भागेगा साया छोड़कर, शाम वालों का बदन भागेगा साया छोड़कर, शाम वालों का बदन भागेगा साया छोड़कर। आइए हजरात मजलिस का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से होने जा रहा है जिसके फराइज को अंजाम देने जा रहे हैं बरादर अजीज कारी जनाब ज़ुहैर आज़मी साहब। आप हजरात इनके इस्तकबाल में सलावत पढ़ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ود
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآل حل طه على رسول الله وآل حل طه مجلس آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے جس کے فرائض کو انجام دے رہے تھے قاری جناب زہیر آزمی صاحب بہترین لہن میں بہترین آواز میں تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے آئیے حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے چھ مصروں سے آپ کے ادارے محبت میں سوسانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے الحاج جناب سید حیدر مہدی صاحب کے ہمراہ کو آواز دوں گا شام میں لوہے کئی چراغوں کی چراغے شام میں لوہے کئی چراغوں کی
बसी है सूरत आँखों में जाने वालों की, बसी है सूरत आँखों में जाने वालों की। तो नबी का घर है बड़ा मोहतरम समझते थे, नबी का घर है बड़ा मोहतरम समझते थे। जबाँ समझते न थे जो कच जबानों की, जबाँ समझते न थे जो कच जबानों की। कि चिरागे शाम में लौ है कई चिरागों की, चिरागे शाम में लौ है कई चिरागों की। बसी है सूरत आँखों में जाने वालों की। तो नबी का घर है बड़ा मोहतरम समझते थे, जबाँ समझते न थे जो कच जबानों की। तो लहू में डूब जा ऐ दीदे नज़ारे तलब, लहू में डूब जा ऐ दीदे नज़ारे तलब। पड़ी है खाक में तस्वीर आसमानों की, पड़ी है खाक में तस्वीर आसमानों की, पड़ी है खाक में तस्वीर आसमानों की। आइए हजरात सोसखानी के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए दावत सुखन देता हूँ अलहाज जनाब सैयद हैदर मेहदी साहब और उनके हमनवा। आप हजरात इनके इस्तकबाल में सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हैदर की जान फातिमा की नूर ऐन है, दिल से शरीक का गमे मां शिरकैन है। जैसा महल था वैसे ही तर्जे कलाम था, ज़ैनब कहीं अली थी कहीं पर हुसैन है। हैदर की जान हाँ हुसैन जबकि चले बाद दोपहर रन को कोई न था के जो थामे काबे तौसन को, सकीना झाड़ रही थी बाके दामन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, ना सुरा था कोई शाहे करबलाई को, फका सवा किया था बहन भाई को। दरे खयाम पे अहले हराम बिलाते थे, जमीन पर आबिदे बीमार सर पटाते थे। बहन जो रोती थी मुड़मूर के शाहते थे, जवान खुश्क थे कुछ बात कर न सकते थे। पुकारते थे हरा शाहे नामुदार चले, हुसैन मरने चले और हम को मार चले। हुसैन जब के हाँ देखा जब हिंद ने सजा को जिंदा में असी, पूछा क्या पहने हो फरमाया कि तो को जंजीर। हिंद बोली मुझे इस वक्त
तो है अम्बो हे कसी क्या खता थे जो हुए कै काबे तक से हाल पूछा तो कहा मोरी दयाफा कौन पूछा तो लगे कहने किसादा बोले वो कौन से ऐसिया पे मिली ये दादे रोके फरमाया गुने कुछ बे नहीं बे तकसी उसने मुंह पीट लिया और कहा कब से हो बोले दसवीं थे मुहर्रम के जो पहने उस कफन के लिए हमरा नहीं लाया हूँ बाप को छोड़ के बेगोरो कफन आया हूँ देखा जब हिंदू ने फातिहा जिसदम नगीना खात में पैगंबरा गिरा जिसदम नगीना खात में पैगंबरा गिरा रौना पुठी जमी से इमामे जमा गिरा गिरने पर सब गरो लिए बचिया गिरा है नहीं जफाओं पे भी आसमा गिरा है नहीं जफाओं पे भी आसमा गिरा जरा से पूछिए तलक नूर अपना जमी का अपना हुसैन का जिदम नगीना खात में पैगंबर आ गिरा मुश्ताक बहरे जिबा बहे अफसरान कातिल कई खड़े हुए आकर करी कोई पुकारा कोई बोला अभी नहीं अब देर क्या है सजदे में रख लेने दो जबे अब देर क्या है सजदे में रख लेने दो जबे आवाज दी उमर ने है गर्दन ढले हुई कातिल पुकारा कभी है खुले हुए कातिल पुकारा कभी है खुले हुए सब थम गए मगर ना तमाशे रे बासिया कर पीटने की जाए रखा वो जगह कदा तीना दबा तो और बे तपे शहे तोरो फुगा सुना उसे हालात में दम बदा चोरो फुगा सुना उसे हालात में दम बदा कातिल से पूछा दे किधर गुल ये होता है हुसैन कह के कोई रन में रोता है हुसैन कह के कोई रन में रोता है वो बोला कोई होगा मैं देखूं भला किधर अब तेग पर निगाह है शहरा पे है हाँ जब सवार होने लगा था मशीन पर सैदान एक कली से खैमे से नंगे सर सैदान एक निकली थी खैमे से नंगे सर उस दम हमारी फौज में तौहीद होती है
मुझको यकीन है कि वही बीबी रोती है, मुझको यकीन है कि वही बीबी रोती है, बोले और कोई नहीं है बहन आशिक बहन हुसैन के तस्ना दहन बहन, भूली हमारे प्यार में माँ का चलन बहन, बलवा कहाँ कहाँ ये मेरी खासतन बहन, बलवा कहाँ कहाँ ये मेरी खासतन बहन, कातिल पुकारा गे ये बाहर ये शहबोल जब सुनारे अकबर ने खाई थी, शहबोल जब सुनारे अकबर ने खाई थी, वो नो नबे कसी का वो घबराना या वो थर थराना दिल का उड़ना हवा कहना बिलग बिलग के ये कलमा है रास का, ऐ सिमरवा सुताले असगर की प्यास का, ऐ सिमरवा सुताले असगर की प्यास का, इलाह दिन रोज के प्यासे को छोड़ दे सदका नबी का उनके नवासे को छोड़ दे, सदका नबी का उनके नवासे को छोड़ दे, समझा खुदा को मान हबीबे खुदा को मान, जहरा को मान हजरत मुश्किल कुशा को मान, सुगंध फख्र फाते आले ये बा को मान, अपनी रसूल जादी की तू इल्तजा को मान, अपनी रसूल जादी की तू इल्तजा को मान, सारे बुजुर्ग मर गए मुझ बदनसीब के, मेरा कोई नहीं है सिवाय इस गली के, मेरा कोई नहीं है सिवाय इस गली के, ऐ सिमर पास भाई के आलू जो तू कहे, जख्मों से जलती रे चुरा लूं जो तू कहे, चादर बदन के नीचे बिछा लूं जो तू कहे, बेकल है शर्मया के उठा लूं जो तू कहे, बेकल है शर्मया के उठा लूं जो तू कहे, पानी तो या मिलेगा नजरा के जाई को, आंसू छिड़क के होश में लाऊंगी भाई को, आंसू छिड़क के होश में लाऊंगी भाई को, सौंपा किसे बहन को मैं पूछूंगी भाई से, परदेश में बिछड़ते हो जहरा की जाई से, ये बेखता है पूछ ले सारी खुदाई से, दवा है क्या तुझे मेरे माँ के कमाई से, दवा है क्या तुझे मेरे माँ की कमाई से, कुछ कर्ज हो तो बेच के घर को अदा करो, समझाऊ किस तरह मैं तुझे आज क्या करूं, जिस दम नगीना खात्मे ने कराम। अभी अपनी ज़रूरियात से नहीं फारिग हुए हैं और यहाँ वहाँ गुजारिश अपनी ज़रूरियात से फारिग हो चुके हैं, तो गुजारिश करता हूँ कि फ़र्श अदा पर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि शोराए कराम को ये कहा जा सके कि आप अपने पूरे कलाम को पेश करें, बल्कि ये जुमला कहूँगा कि तमाम शोरा से इख्तिसार में यानी मुख्तसर में दो तीन शेर में अपना वक्त लें, एक मिलजुल कर सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बस छः मिसरे आपके इदारे मोहब्बत में हायल करता हूँ जनाब पयाम आज़मी साहब का, अच्छा लगेगा दुआओं में नवाजिएगा कि खूब इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले, खूब इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले, खुद ही मिट जाते हैं इस घर को मिटाने वाले, शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा, खूब इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले, खुद ही मिट जाते हैं इस घर को मिटाने वाले, ढा गए खाने माबूद को ढाने वाले, ढा गए खाने
माबूद को ढाने वाले तो याद रखे उसे मस्जिद को गिराने वाले। मैं तमाम मोमिन की समातों का अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा कि खूब इस रात से वाकिफ़ है ज़माने वाले। खुद ही मिट जाते हैं इस घर को मिटाने वाले, खुद ही मिट जाते हैं इस घर को मिटाने वाले। ढा गए खाने माबूद को ढाने वाले, याद रखे उसे मस्जिद को गिराने वाले। तोड़ तो सकते हैं मस्जिद को वो आसानी से, तोड़ तो सकते हैं मस्जिद को वो आसानी से, छीन सकते नहीं सजदे मेरी पेशानी से, छीन सकते नहीं सजदे मेरी पेशानी से, छीन सकते नहीं सजदे मेरी पेशानी से। आइए हजरात, आपकी जारे मोहब्बत में हायल होने जा रहे हैं जनाब सलमान कुशलगामी साहब से कि आए बारगाह इमाम में खराज अकीदत पेश करें। आप हजरात इनके इस्तकबाल में सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक सुरे फातिहा निसार सन व मुख्तार सन मन के रे सरवर दिखाई देते हैं हमें, यजीद के हम सर दिखाई देते हैं। हुसैन वे को तेरे सर का तसद्दुक है, हजार सर तेरे दर पर दिखाई देते हैं। गिलोने बे तेरे सज्जाद कल जलाया था, उन्हीं के कांधों पे बिस्तर दिखाई देते हैं, उन्हीं के कांधों पे बिस्तर दिखाई देते हैं। सलवात अल्लाह दिन गले जब कर के मजदूरी रजा आता है वा, दिन डले जब कर के मजदूरी रजा आता है बाप, देख के हंसते हुए बच्चों को सुख पाता है बाप। सामने आँखों के दुष्ट बेटे के मर जाता है बाप, लम्हा लम्हा जिंदगी भर उसको याद आता है बाप। जाने कितने ख्वाब करते हैं सफर बच्चों के साथ, घर से पहली बार जब स्कूल ले जाता है बाप। एक थाम कर उंगली जिसे चलना सिखाया मुद्दतों, जब नुमाया कामयाबी एक दिन उसके सहारे को तरस जाता है बाप। जिंदगी भर चलता रहता है मशीनों की तरह, मौत की आगोश में दिन थक के सो जाता है बाप। रोते रोते बस यही कहता है वो हाय हुसैन, जब कभी अपने जमा बेटे को दफनाता है बाप। कोई इन बच्चों से पूछे क्या है शादी का मजा, ब्याह की तारीख रख कर जिनका मर जाता है बाप। रोके ज़ैनब ने कहा बाबा भरा घर लुट गया, जब शमे शामे गरीबा में नजर आता है बाप। मांगने आती है जब दरबार में बागे फिरक, गमजदा बेटी को जाने कितना याद आता है बाप। खून टपकता है मेरे कानों से गाहर छिन गए, ख्वाब में बच्ची को उसको जब नजर आता है बाप।
देखो मैं जल्दी जल्दी टाइम नहीं है लिहाजा जब हर जबां पर हो रहा है आज भी चर्चा निसार हर जबां पर हो रहा है आज भी चर्चा निसार हर اہل خانہ ڈھونڈتے ہیں ہو کہاں کس جان سار جب تلک زندہ رہے ڈھارس رہی سب کو بہت جب تلک زندہ رہے ڈھارس رہی سب کو بہت آپ کے جانے سے گھر والوں کو ہے صدمہ نثار آپ کے جانے سے گھر والوں کو ہے صدمہ نثار عمر بھر بھائی بھتیجے بیٹوں کے ہمراہ تھے عمر بھر بھائی بھتیجے بیٹوں کے ہمراہ تھے آج لیکن سو رہے ہیں قبر میں تنہا آج لیکن سو رہے ہیں قبر میں تنہا نثار ہو کربلا میں صبر دیکھو زینب و کلثوم کا کربلا میں صبر دیکھو زینب ایک بہن کہے کر رو پڑی بھیا نثار اور یہاں ایک بہن کہے کر رو پڑی بھیا نثار حضرت سرور سکینہ کی مصیبت سوچ کر حضرت سرور سکینہ کی مصیبت سوچ کر بیٹیاں کرنے لگی گریا میرے بابا نثار بیٹیاں کرنے لگی گریا میرے بابا نثار کس طرح سے دل کو بہلائے ضیا کچھ سوچ کر کس طرح سے دل کو بہلائے ضیا کچھ سوچ کر دل کو بہلاتا رہا وہ چھٹ گیا نانا یہ تھے جمشید آدمی صاحب بہترین کرام مرحوم کے حوالے سے پیش کر رہے تھے آئیے حضرات جن کا مقطع تھا انہیں کا آواز دیتا ہوں دو مصروں سے کہ جو خود ہو خاک کا پتلا وہ جانتا کیا ہے
जो खुद हो ख्वाब का पुतला वो जानता क्या है कि नूर क्या है और उस नूर की ज़िया क्या है, कि नूर क्या है और उस नूर की ज़िया क्या है। आइए हज़रात गुज़ारिश जनाज़े आदमी से किया है बारगाह इमाम में खराज अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात उनके इस्तक़बाल में सलावात पढ़े व मुहम्मद व आले मुहम्मद। दो मतलब और एक शेर मक्ता हज़रत करते हैं, थोड़ा खास मिला लग रहा है। जन्नती निसारे जिस पे वो जन्नत है करबला, काबे की तरह राहे हिदायत है करबला, तुझसे वकारे दीने रिसालत है करबला, तू आफताबे बज़्म शहादत है करबला, बाजारे मिस्र से मैं तकाबुल न कर सका, बाजारे मिस्र से तकाबुल न कर सका, जन्नत से भी हसी तेरी सूरत है करबला, जन्नत से भी हसी तेरी सूरत है करबला। मक्ता हाजिर का काम दुआ दे दीजिएगा। माँ की दुआएं साथ है आऊंगा मैं ज़िया, बचपन से मुझको तुझे से अकीदत है करबला, बचपन से मुझको तुझे से अकीदत है कर बला, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिला तमहीद गुजारिश जनाब मोहम्मद आदमी से किया है बारगाह इमाम में खराज अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात इनके इस्तक़बाल में सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बावाज़े बलन नारे सलावात। एक मतला और चंद अशआर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। कि गमे शह को दिल में बसाए हुए हैं, 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 इन्हीं की मोहब्बत में आए हुए हैं, इन्हीं की मोहब्बत में आए हुए हैं। और ये भी शेर बतौर खास कि आज़ादार हैं हम शहे करबला के, आज़ादार हैं हम शहे करबला के, अलम बा वफा का सजाए हुए हैं, अलम बा वफा का सजाए हुए कि नबी का करम है अली का है सदका, नबी का करम है अली का है सदका, नबी का करम है अली का है सदका, जो हम आज दुनिया पे छाए हुए जो हम आज दुनिया पे छाए हुए हैं। और मक्ता हाजिर करता हूँ हमारे जनाब बड़े भाई जनाब सैयद मुजफ्फर इनाम आबदी साहब के
हक में दुआएं दीजिएगा। मैं मक्ता हाजिर करता हूँ कि मुजफ्फर नहीं खौफ महशर का मुझको, मुजफ्फर नहीं खौफ महशर का हमको, दिलों में अली को बसाए हुए हैं, दिलों में अली को बसाए हुए हैं। बाबा दे बलंद नारे सलवार समाप्त करें। मोहम्मदी चार मिसरे पेश कर रहा हूँ कि अली के इश्क में मरना है ज़िंदगी की दलील। समाप्त करें कि अली के इश्क में मरना है ज़िंदगी की दलील। प्रधान जी, अरे आप पीछे क्यों बैठे हैं, आइए सफ़े अव्वल में आइए, आ जाइए। ज़रा सा जो मजमा जो बाद में लोग आ रहे हैं वो भी आपको देख के आगे आ जाएँ। आ जाइए सलावत पढ़ते हुए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बलंद सलावत। समाप्त कर पेश कर रहा हूँ कि अली के इश्क में मरना है ज़िंदगी की दलील। अली के इश्क में मरना है ज़िंदगी की दलील, ये कह के दार पा बेखौफ चढ़ गए निसम। समाप्त करें कि अली के इश्क में मरना है ज़िंदगी की दलील, ये कह के दार पा बेखौफ चढ़ गए निसम। बिना ज़बान कसीदा अली की मिधर का, खुदाया तू ही बता कैसे पढ़ गए निसम। समाप्त करें बिना ज़बान कसीदा अली की मिधत का, खुदाया तू ही बता कैसे पढ़ गए निसम। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ। समाप्त करें कि कातिलो मक्तूल के चर्चे सदा होते रहें, कातिलो मक्तूल के चर्चे सदा होते रहें, इसलिए अल्लाह ने शियों को पैदा कर दिया। जल रहा था कुफ्र के शोलों में इंसा का ज़मीर, उसको शाहे नैनवा ने खून से ठंडा कर दिया। जल रहा था कुफ्र के शोलों में इंसा का ज़मीर, उसको शाहे नैनवा ने खून से ठंडा कर दिया। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ। समाप्त करें कि ऐ शहरे मुकद्दस के खताकार बादशाह। समाप्त करें मोमिनीन, ऐ शहरे मुकद्दस के खताकार बादशाह, ऐ शहरे मुकद्दस के खताकार बादशाह, तर्ज़े अमल ये तेरा है कैसा इमाम से, अरे तेरे लहू में कुछ तो खराबी ज़रूर है, तू जल रहा है इसलिए मौला के नाम से, तेरे लहू में कुछ तो खराबी ज़रूर है। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ। समाप्त करें के आवारगी के शहर में ऐ दुश्मन अज़ा। एक मुहावरे को मैंने भाई नज़्म किया है कि आवारगी के शहर में ऐ दुश्मन अज़ा, ढूंढे से भी हुसैन की उल्फत ना पाएगा। समाप्त करें कि आवारगी के शहर में ऐ दुश्मन अज़ा, ढूंढे से भी हुसैन की उल्फत न पाएगा। अरे खुल्दे बरी के मालिकों मुख्तार हैं हुसैन, तू नाक भी रगड़ ले तो जन्नत न पाएगा। खुल्दे बरी के मालिकों हैदरी, जज़ाकअल्लाह, आप सलामत रहे। खुल्दे बरी के मालिकों मुख्तार हैं हुसैन, तू नाक भी रगड़ ले तो जन्नत न पाएगा, कुनाद भी रगड़ ले तो जन्नत न पाएगा। एक मतलब दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। समाप्त करें, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मतलब और आप ज़रा सलावत पढ़ दें। समाप्त करें कि जो ज़मीं पास साहिबे किरदार हो सकता नहीं। समाप्त करें कि जो ज़मीं पा साहिबे किरदार हो सकता नहीं, करबला वालों का वो गमखार हो सकता नहीं। एक मिसरा हुआ था इलाहाबाद का, मिसले आबिद काफिला सालार हो सकता नहीं। समाप्त करें कि जो ज़मीं पा
साहिबे किरदार हो सकता नहीं, करबला वालों का वो गमखार हो सकता नहीं। पढ़ लिया नादे अली वक्ते सफ़र जिस शख्स ने, रास्ता उसका कभी दुश्वार हो सकता नहीं। समाप्त करें कि जो ज़मी पास साहिबे किरदार हो सकता नहीं, करबला वालों का वो गमखार हो सकता नहीं। पढ़ लिया नादे अली वक्ते सफ़र जिस शख्स ने, रास्ता उसका कभी दुश्वार हो सकता नहीं। गासिबों का उनसे नस्बत अल्लाह अल्लाह हैफ है, राहजन सरवर का मातमदार हो सकता नहीं। समाज करें राहजन सरवर का मातमदार हो सकता नहीं। सैयद सज्जार से मंसूब है गर्चे जनाब, आपका कोई अमल बेकार हो सकता नहीं। ये शेर भी देखें कि तोड़ डाला हंस के रन में आके बातिल का गुरूर। समाप्त करें कि तोड़ डाला हंस के रन में आके बातिल का गुरूर, तोड़ डाला हंस के रन में आके बातिल का गुरूर, उसके जैसा आप कोई फनकार हो सकता नहीं। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, उसके जैसा अब कोई फनकार हो सकता नहीं, उसके जैसा अब कोई मोहम्मद। समाप्त करें कि तोड़ डाला रन में आके हंस के बातिल का गुरूर, उसके जैसा अब कोई फनकार हो सकता नहीं। तो सैयद सज्जाद को बीमार कहना है गलत, बांटने वाला शिफा बीमार हो सकता नहीं। सैयद सज्जाद को बीमार कहना है गलत, बांटने वाला शिफा बीमार हो सकता नहीं। और क्यों है?